वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है होली पर पानी बचाओ का ज्ञान बांटने वालों, यहां भी नजर डालो। होली स्पेशल सेव वाटर। बड़ी दुख की बात है कि हर फेस्टिवल पे कोई ना कोई ज्ञान देने वाले आ जाते हैं कि भाई ये मत करो वो मत करो। और मैं तो यही कहूंगी, मोस्टली जब आजकल तो यही लगता है कि हिंदू फेस्टिवल्स पे ही बोलते हैं, बाकी दूसरे फेस्टिवल्स पे क्यों नहीं ऐसा आता। नहीं, जहां तक मुझे लगता है कि आप ज्यादा होली में पानी नहीं लगता इतना, एक इंसान जितना आप नहाने में लगाते हैं मेरे ख्याल से उससे भी कम पानी लगता है होली में ऑन वन पर्सन। कि अगर एक पर्सन थोड़ी पिचकारी भी भर ले, थोड़ा प्ले भी कर ले, थोड़े बलून्स भी बना ले, तो भी जितनी देर आप नहाते हैं, मैं बात कर रहा हूं मान लीजिए आप शावर में नहाते हैं तो आप 15 मिनट शावर चलाते हैं, उतने में इतना पानी जाता है, उतना होली के जरा से नहीं जाएगा। तो मेरे ख्याल से और लाइफ में फेस्टिवल यादगार होती है, यादगार वैल्यू लाता है आपकी लाइफ को। तो मेरे ख्याल से पानी बचाना सही बात है, मगर होली अपनी जगह है। बिल्कुल, आप बाकी चीजों में बचा सकते हो, पर साल में एक बार ही फेस्टिवल आता है तो उसपे उस रिस्ट्रिक्शंस लगा के उसका जो मजा है वो किरकिरा नहीं करना चाहिए। तो चलो वीडियो देखते हैं और देखते हैं ये हमारे साथ क्या शेयर कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड यस फ्रेंड्स, हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फन तंत्र। सबसे पहले आप सभी लोगों को होली की ढेरों शुभकामनाएं, हैप्पी होली। और भाई, भारत में ना त्योहार खुशी बांटने के साथ ही ज्ञान बांटने वालों के लिए भी एक मौका लाता है। एक तरफ हम अपने त्योहार मना रहे होते हैं और वहीं पर कुछ लोग हमें देखकर अपने मुंह बना रहे होते हैं। होली पर भी हमें काफी ज्ञान दिया जाता है। मैं तो कहता हूँ ये वीडियो देखो, पूरा देखने के बाद ये वीडियो जरूर शेयर करना, ऐसे ज्ञानी लोगों तक तो जरूर ही पहुंचाना जो हमें सिर्फ होली पर ही पानी बचाने की सीख देते हैं, साल भर नहीं देते। चलिए शुरू किया। तो भाई, कुछ लोग होली पर पानी और दिवाली पर हवा बचाने का ज्ञान देते हुए ट्वीट कर करके अपनी उंगलियां सुजा लेते हैं। हैशटैग की ऐसी बारिश होती है कि होली खेलने वाले ना जाने कितने ही अकाउंट जख्मी हो जाते हैं। परम ज्ञानी भैया लोग ये भी कहते हैं कि होली मनानी है तो दिल से मनाओ, पानी और रंगों से नहीं। भाई, इसी लॉजिक के हिसाब से तो अपने बर्थडे पर केक क्यों काटते हैं भाई, दिल से कुछ काट लो, दिल से मना लो। वैलेंटाइन पर करोड़ों गुलाब के बागान क्यों साफ करवा देते हो, दिल से मना लो। दिल से मनाने वाला कॉन्सेप्ट ना मेरे को समझ में नहीं आता। मतलब यार, त्योहार मना रहे हो महबूबा थोड़े ही। चलिए अब फॉरन आपको फॉरेन की यात्रा करा कर ले आते हैं। हर साल स्पेन की बात कर ले तो वहां पे टोमेटिना फेस्टिवल में 40 मेट्रिक टन टमाटर बर्बाद हो जाते हैं, ऐसे रिपोर्ट्स बताते हैं। हेलोवीन में 18,000 टन पंपकिन बर्बाद हो जाते हैं। अतरंगी कपड़ों की वजह से 2,000 टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है। कुछ रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि क्रिसमस के टाइम में 1,25,000 टन प्लास्टिक पैकेजिंग रिसाइकल ही नहीं होती, और उस दौरान काटे गए लाखों पेड़ 2 से 3 बिलियन किलो कार्बन फुटप्रिंट तो जनरेट कर ही देते हैं। लेकिन उनको कभी कोई ज्ञानी ज्ञान देने नहीं आता कि भैया अपना त्योहार दिल से मना लो, क्योंकि तुम ज्ञान दोगे तो भी वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये उनका त्योहार, उनको जैसा मन हो वो वैसा मनाए। और बात सही भी है, मतलब दिल से मनाने वाली बात तो वही हो गई कि बॉडी बदबू मार रही है लेकिन आपको सही में नहाना पड़ेगा, दिल से नहा के तो फायदा होगा नहीं ना। ऊपर से न्यू ईयर के टाइम पर पूरी दुनिया में दनदनाते पटाखों की फोटो शेयर करके आप भी खुशियां मनाते हो, उस टाइम पे उनको नहीं बोलते कि जो पटाखे दगा रहे हो वो दिल से दगाओ, मोमबत्ती अगरबत्ती और माचिस से नहीं है। मतलब फेस्टिवल के टाइम फेस्टिवल मनाना जरूरी है, तुम्हारा मुंह बनाना तो जरूरी नहीं है ना। अब हम ये नहीं कहते कि दुनिया अगर कुछ वेस्ट कर रही है तो हम भी करें, नेचर की तरफ आपके कंसर्न को हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर वो बस एक ही तरफ सवाल या निशान लगाएगा तो आपसे भी तो सवाल पूछे जाएंगे। इनफैक्ट दुनिया के 7 सबसे ज्यादा पानी वेस्ट करने वालों के लिस्ट में कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब जैसे देश आते हैं, भारत उस लिस्ट में बहुत नीचे है। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि शावर से नहाने वाले लोग 10 मिनट में शावर में 50 गैलन का पानी बर्बाद कर देते हैं, और शावर में आदमी 10-20 मिनट तो लगाता ही है या फिर उससे ज्यादा ही। अब आप हिसाब भिड़ा लो कि कितना पानी बर्बाद हुआ। उधर बकेट से नहाने वाला आदमी 4 मग्गा डालकर ही हर हर गंदे बोलकर शुद्ध हो जाता है। वही एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि फ्लश वाले टॉयलेट में सिर्फ लीकेज की वजह से अकेले यूके में 215 से 400 लीटर पानी प्रति फैमिली बर्बाद हो जाता है। उनके पूरे देश में 5 से 8% टॉयलेट्स लीक करते हैं। ऊपर से टिश्यू पेपर अलग लगता है, वो अलग, पानी भी बर्बाद, पेपर भी बर्बाद, और तो और इससे इन्फेक्शन का भी खतरा बना रहता है। यानी पानी के साथ साथ सेहत से भी खिलवाड़ और ज्ञान।
हमको दिया जाता है। अबे पानी बचाना है तो आइए मिलकर रोज बचाएं, साल में 365 दिन होते हैं, उतने दिन मस्त पानी बचाओ ताकि बाद में एक दिन होली खेल पाओ। इसलिए ज्ञानी लोग कहते हैं कि त्योहार नहीं व्यवहार बदलो, खुद थोड़ा जिम्मेदार बनो। और दुनिया में कोई भी त्योहार तीन चीजों पर बड़ा असर डालता है, सोसाइटी पर, कल्चर पर, इकोनॉमी पर। और इंडिया से उसके त्योहार कभी अलग नहीं किए जा सकते भैया, ये पूरे देश को एक कॉमन सब्जेक्ट पर जुला कर खड़ा करता है, जहां पर आप एक दूसरे से अपनी खुशियां बांट सकते हैं, त्योहार चाहे जिसका भी हो। वैसे भी भारत के त्योहार बाकी देशों के त्योहार से काफी अलग होते हैं। दुनिया की सबसे पहली सभ्यता वाले हमारे देश का कोई भी त्योहार दिन तिथि और ग्रहों की चाल पर आधारित होता है। सोचिए, हम उस तकनीकी बौद्धिक क्षमता वाले देश हैं जिसने प्लैनेट्स के मूवमेंट से होने वाले हर बदलाव को भी एक इवेंट के तौर पर मनाया है और आज भी मनाते हैं। और पूरी दुनिया की संस्कृति का सम्मान करते हुए मैं बस यही कहना चाहूंगा कि नेचर से हमसे ज्यादा जुड़ा हुआ शायद ही कोई दूसरा देश हो इस प्लैनेट, और वो भी तब जब हमारी संस्कृति पर लगातार प्रहार हुए, धर्म स्थलों पर लगातार आक्रमण किए। और ऐसा नहीं है कि हमारे त्योहार बस सोशल और कल्चरल इंपैक्ट तक सीमित। होली की ही बात करो तो हर साल करीब 25,000 करोड़ रुपयों का बिजनेस इससे रफ्तार पकड़ता है। हर साल पूरे देश में करीब 5,000 कलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स 5,00,000 किलो गुलाल प्रोड्यूस करते हैं। इससे लाखों मजदूरों और कारीगरों का घर चलता है। कोरोना ने भले ही आज इस इंडस्ट्री को झटका दिया हो, लेकिन फिर भी इससे जुड़े लाखों लोग अभी तक आपकी और मेरी होली कलरफुल बनाने के लिए लगे हुए। कहने का मतलब यह है कि क्या सिर्फ एक दिन पानी बचाने या सिर्फ एक दिन हवा बचाने से सारी समस्याओं का हल निकल जाएगा? तो ये सवाल मैं आपसे नहीं पूछ रहा, बल्कि आपको अपने आप से पूछना चाहिए। और तभी तो ज्ञानी लोग कह गए हैं कि त्योहार नहीं भैया व्यवहार बदलिए। और जो व्यवहार बदलने को राजी नहीं है उस तक ये वीडियो पहुंचाइएगा जरूर, दबा के इसे शेयर करिए। और जब शेयर करना ना तो ऐसे ज्ञानी लोग के लिए नीचे लाइन लिख देना कि कृपया यहां पर ज्ञान ना बांटें, यहां हर कोई ज्ञानी है। बाकी प्लीज, इस बार की होली हर बार की होली से अलग है, इसलिए जरा सेफ्टी के साथ इसे मनाइएगा, बीमार मत पड़िएगा, अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा, ठीक? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, वाकई में अच्छा उन्होंने बोला है कि आपको त्योहारों के टाइम ही चीजें सेव करने का पता चलता है। Right. पूरे साल क्यों नहीं आप सोचते हो तब बताओ। जैसे मैं यही सोच रही थी कि जब आप ब्रश करते हो तो ब्रश करते टाइम आपको आदत होती है मोस्टली कि आप नल का ऑन ही रखते हो और ब्रश करते हो, तो वो आप ऐड दो कि भाई आप उनको नलके को बंद करके रखो, ये ज्ञान दो जब आप ब्रश कर रहे हो। अब शावर में जैसे बता रहे हैं कितना पानी वेस्ट होता है, उसकी जगह बाल्टियों में आप नहा लो, वो ज्ञान दे दो। और भी इतनी सारे ज्ञान देने की चीजें हैं जो अगर आप रोज करो तो कितना पानी बच सकता है, और उसके मुकाबले में एक होली जो आप सेलिब्रेट करो वो कुछ भी नहीं है। तो सोचने वाली बात है कि उसी टाइम और ज्ञान क्यों देना है, आपको ज्ञान देने की जरूरत क्या है। आप अपने आप को चेंज करो, आप वो चीजें अपने ऊपर इंप्लीमेंट करो, रादर देन कि आप एडवाइस दे रहे हो दुनिया को। जिन्होंने जो करना है वो करेंगे, सब समझदार लोग हैं। और मैं तो यही सोच रही हूं, अगर आप इंडिया से फेस्टिवल्स ही बंद कर दो तो इंडिया की ब्यूटी कहां रही? हम लोग वी आर अ कलरफुल कंट्री, वी आर अ कंट्री ऑफ कलर्स। आप कहते हो होली बंद कर दे, कंट्री ऑफ कलर्स जो है वो होली मनाना बंद कर दे। मैं तो ये सोच रही हूँ कि हमारी बचपन की यादें क्या हैं, यही फेस्टिवल्स हैं जो मिलजुल के मनाए थे सब ने, कजन्स ने मिलके शरारतें की, इस टाइप से हमने होलियां मनाई या दिवाली मनाई। तो आप जो नेक्स्ट जनरेशन है उनसे उनका वो या जो ब्यूटिफुल मेमोरीज है बनाना ही नहीं चाहते कि वो उनके पास वो हो, तो गलत बात है। आप दूसरी वे से कुछ और करके सेव कर लो, और ताकि जो धूमधाम से जो है वो फेस्टिवल्स मन सके। और जैसे बता रहे वर्ल्ड वाइड उन्होंने बोला कि देखो क्रिसमस में भी होता है, हर रिलीजन के हर कंट्रीज में कोई ना कोई ऐसे फेस्टिवल्स हैं जैसे वो टमाटरों को मैश करते हैं। तो आपको सोच के बोलना चाहिए कि हर चीज में, हर फेस्टिवल में इस टाइप से आप बोल के जो है लोगों के जो कहते हो फीलिंग्स उनको हर्ट करते हो, तो केयरफुल रहना चाहिए। पर जो भी है भाई, हम तो होली जरूर मना रहे हैं, और अगर होली ना मनाई तो क्या। पर ये है डेफिनेटली कोरोना की वजह से सेफ्टी कम्स फर्स्ट, तो घर के मेंबर्स के साथ मनाएंगे, पर मनाएंगे धूम से। राइट, तो वही पॉइंट था कि आप नॉर्मली जो है ज्यादा वेस्ट करते हैं ऑन एवरेज वाटर कंपेयर टू होली। होली में जो पानी लग रहा है वो एज गुड एज जो आप रोज जो है उससे ज्यादा वेस्ट करते हैं शावर में। मैंने एग्जांपल शावर का दिया था, इन्होंने भी उसी शावर का पकड़ा था। शावर में जितना पानी बर्बाद होता है मुझे नहीं लगता कि पर पर्सन उतना होली में बर्बाद होता है। और फेस्टिवल की अपनी जगह है, वो आपको अलाइव रखता है। अगर आपकी यादगार है तो होली की यादगार है। हर इंसान को जो है लिविंग का इसी से, इन्हीं फेस्टिवल से पता लगता है लिविंग का। कई बार और वैसे भी कोरोना वायरस में के समय पे काफी लोग डिस्करेज हुए हुए हैं, डिप्रेस हुए हुए हैं, परेशान हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम हर जगह लगी हुई है।
बच्चे घरों में बंद हैं, बच्चे घरों को कभी अगर ये अच्छी बात है कि कोई थोड़ी देर के लिए खेल पाएगा तो उसको थोड़ी शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी। बार बार जो फेस्टिवल आते हैं वो पॉइंट पॉइंट पे आपको खुश करते हैं, तो उससे आपका लाइफ में बैलेंस बना रहता है। तो बहुत ही अच्छी बात है, होली को बनाना चाहिए। और मैं तो ये बिलीव नहीं करता, मैं इस वाटर सेविंग में बिलीव जरूर करता हूं कि आपको नेचुरल रिसोर्सेज को, कोई भी रिसोर्स को सेव करना चाहिए, मगर होली की अपनी बात है। और इकोनॉमी बूस्ट भी होती है किसी भी फेस्टिवल में। जैसे एग्जांपल दे रहे थे क्रिसमस की, यहाँ पे कितने सारे क्रिसमस ट्रीज होते हैं, तो स्पेशली लोग जो हैं क्रिसमस ट्रीज को उगाते हैं कि उनको पता है कि इतनी डिमांड है कटवाने की, तो किसी का वो लाइवलीहुड है। कोई बंदा वहां पे ग्रो कर रहा है क्रिसमस ट्री को, जिसे वो एक दिन कटेगा, एक बंदा ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो मतलब जितने भी उसके पीछे इकॉनमी भी बूस्ट हो रही है। और गोल यही है कि उससे सभी लोग खुश रहते हैं। फेस्टिवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और किसी के भी फेस्टिवल को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान का फेस्टिवल सदियों से चला आ रहा है, आज का नहीं बना हुआ। तो फिर भी काफी अच्छा वीडियो था, और हम तो यही इंकरेज करेंगे कि होली खेलिए, दिल से खेलिए, और जहां तक हो सके कंजर्व करिए वाटर को ऑन अ डेली बेसिस। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।